साल 2014 में आई हीरोपंती के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी मेहनत के बल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ दी है, जिसके बदौलत वो करोड़ों युवाओं की दिलों में बसते हैं। बताना चाहेंगे, टाइगर श्रॉफ का दबदबा अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें साफ देखने को मिल रहा है और इसी वजह से उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर हमेशा से चर्चाओं का विषय बना ही रहता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की आने वाली तीन बड़ी फिल्में, जिन तीन बड़ी फिल्मों को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंची है। सबसे पहली फिल्म की बात करेंगे तो बागी थ्री। जी हाँ, बागी थ्री की बात करें तो बागी थ्री को लेकर एक लंबे समय से चर्चाओं का विषय हमें देखने को मिल रहा है और इस फिल्म का भी दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बागी थ्री फिल्म काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस फिल्म में हमें धुआंधार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। बताना चाहेंगे, बागी थ्री को 6 मार्च 2020 को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म के कास्ट भी काफी ज्यादा दमदार है। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे, टाइगर श्रॉफ और रितेश देशमुख के पिता के किरदार इस फिल्म में जैकी श्रॉफ निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस फिल्म को 6 मार्च 2020 को रिलीज किया जाना है और माना जा रहा है कि बागी थ्री में हमें हॉलीवुड के लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो रैम्बो। जी हां, रैम्बो हॉलीवुड के रीमेक में टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को लेकर भी काफी दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। रैम्बो फिल्म का जब ऐलान हुआ था तब इस फिल्म से जुड़ा उनका एक फर्स्ट लुक भी जारी हुआ था, जिस फर्स्ट लुक में टाइगर श्रॉफ एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। फिलहाल अभी ये फिल्म फ्लोर पर नहीं आई है लेकिन इस फिल्म का भी दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बागी थ्री के बाद टाइगर श्रॉफ शायद इस फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरी और आखिरी बड़ी फिल्म की बात करेंगे तो वॉर 2। जी हां, वॉर के अगले पार्ट में टाइगर श्रॉफ नजर आ सकते हैं। वॉर के ग्रैंड सक्सेस के बाद फिल्म मेकर इस फिल्म का अगला पार्ट बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल कास्ट क्या होने वाली है और क्या एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ इसमें नजर आएंगे, इस बात की भी चर्चाएं की जा रही हैं। दोस्तों, ये थी टाइगर श्रॉफ की आने वाली तीन बड़ी फिल्में, जिन फिल्मों में टाइगर श्रॉफ अलग अलग भूमिकाएं निभाने वाले हैं। बागी थ्री, रैम्बो और वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन सीन लोगों के सामने पेश होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें आप बताइए कि टाइगर श्रॉफ की तीन बड़ी फिल्मों में आप किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड आई को भी सब्सक्राइब करें।